आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले मैं ही आप लोगों को कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के बारे में न्यू अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करवाता हूं, लेकिन आज मुझे डर था कि कहीं मेरे से पहले कोई और प्रोवाइड न करवा दे, क्योंकि मैं आपकी ये लिस्ट जो फाइनल लिस्ट है इसको जारी करवाने के लिए, इसको जल्दी से विभाग को वापस लौटवाने के लिए सचिवालय यानी कि अपना जो राजस्थान सरकार का सचिवालय है वहाँ पर गया था, और मेरे जो दोस्त वहाँ पर कार्यरत है उनसे मैंने पूछताछ की कि ऐसा है क्या, आपके सचिवालय में वो लिस्ट आई है क्या। तो उन्होंने बोला कि हम तो यार छोटे मोटे लोग हैं, हम आपको पूछ करके बताते हैं। तो उन लोगों ने पूछने में ही शाम के 4 बजा दिए, तब उन्होंने बताया कि हाँ लिस्ट आई हुई है। मैंने कहा यार आप लोगों ने बहुत देर करवा दी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के पास लिस्ट है तो जल्दी से विभाग को भेज करके और जारी करवा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, लिस्ट है जो विभाग में जा चुकी है और जारी भी हो चुकी है। मैंने कहा ये तो यार बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आया हुआ हूँ और मेरे से पहले और लोग वीडियो बना देंगे, जबकि मैं उनको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो है जो मैं ही प्रोवाइड करवाऊँगा। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं आप लोगों को वीडियो टाइम पर नहीं दे सकूँगा, लेकिन मैंने घर आकर के देखा कि साइट पर वो जो ये लिस्ट है फाइनल लिस्ट ये डली हुई नहीं थी। तो मैंने मेरे पास एक दो लड़कियों के कॉल आए कि सर लिस्ट आ चुकी है, तो मैंने कहा कि अभी नहीं आई है, क्योंकि सबसे पहले मैं ही वो लिस्ट यूट्यूब पर डालना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें ना किया। अब आप लोग देख सकते हो कि ये 8/6/2022 यानी कि 8 जून 2022 को ये जो लिस्ट है वो जारी की गई है, ये आप खुद भी देख सकते हो। ये डेट है जो 8/6/2022 को ये जारी की गई है, ये आप खुद भी इसमें देख सकते हो। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, आप सभी को पता है कि ये जो लिस्ट है इसका जो स्कूटी का संरक्षण का कार्य है वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मॉर्निंग में मैं इसके लिए सभी को आपके जो नाम है वो लाइव चेक करवाऊंगा, किस किस का नाम आया है लिस्ट में, किस किस का नहीं आया है, वो मैं आप सभी को मॉर्निंग में 7:30 बजे लाइव आऊंगा, सभी लाइव में जुड़ करके अपने अपने नाम मुझसे चेक करवाएं, सभी के मैं नाम चेक करूँगा, फिर मैं आपको शाम को लिस्ट भी ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। समस्त रजिस्ट्रार प्राचार्य विश्वविद्यालय या राजकीय निजी महाविद्यालय राजस्थान, विषय कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, 12वीं उत्तीर्ण एवं 10वीं उत्तीर्ण वर्ष 2020-21 के लिए स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं की स्थायी वरीयता सूची है जो जारी हो चुकी है। अब आप इसमें लोग आप लोग हैं जो पढ़ सकते हो कि ये जो सूची है वो स्थायी वरीयता सूची है, संदर्भ ये आप लोग देख सकते हो कि कब कब क्या क्या हुआ था, ठीक है। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित विज्ञप्तियों द्वारा कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 12वीं उत्तीर्ण एवं 10वीं उत्तीर्ण यानी कि जो 12वीं और 10वीं दोनों वर्ग हैं, 12वीं के भी और 10वीं के भी, 12वीं के तीनों सब्जेक्ट और 10वीं के जो फाइनल लिस्ट है कालीबाई की वो जारी हो चुकी है, जो वर्ष 2020-21 के लिए स्कूटी हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किए गए थे उनकी ये स्कूटी की जो लिस्ट है वो है। विभाग को महाविद्यालयों या जिला नोडल अधिकारियों की अनुशंसा में ये फॉरवर्ड होकर के संबंधित विभाग को आवेदन प्राप्त हुए, उसके उपरांत 20/4/2022 को आपकी अस्थायी यानी कि प्रोविजनल लिस्ट आई थी और 29/4/2022 तक उसका शुद्धिकरण के 29/4/2022 को वरीयता सूची जारी की गई, उसके बाद में 10वीं की, 12वीं की आप लोगों की 20 अप्रैल को की गई थी और 10वीं की 29
अप्रैल को, ठीक है, उस 27 तक आप लोगों के जो 12वीं के हैं उसके शुद्धिकरण के लिए मेल की गई थी, और 5-7 मई तक आप लोगों के 10वीं के मेल किए गए थे जो अशुद्धियाँ थी उनके लिए। अब इसमें बताया गया है कि जिनके छात्राओं के माता पिता केंद्र कर्मचारी हैं या किसी बोर्ड में हैं या उनकी जो आय से संबंधित है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या हैं, संलग्न कौन कौन सी सूचियां हैं, देखिए इसमें उच्च शिक्षा अनुसूचित जाति की लिस्ट जारी हो चुकी है, अनुसूचित जनजाति की भी हो चुकी है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं की स्थायी वरीयता सूची है जो जारी हो चुकी है, यानी कि एससी एसटी और जनरल कैटेगरी की जो एक तरीके से फाइनल लिस्ट है और अल्पसंख्यक वर्ग की लिस्ट है, यानी कि पांचों लिस्ट जारी हो चुकी है। दसवीं का इसमें कहीं भी नाम अंकित नहीं है, तो अभी दसवीं की मेरे हिसाब से शायद नहीं आई है, और ये जो लिस्ट हैं वो इन इन जगहों पर भेजी जा चुके हैं। आयुक्तालय जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को भेजी जा चुकी है, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर को भेजी जा चुकी है, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर को ये है जो भेजी जा चुकी है, और प्रभारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ये भेजा गया है कि इसको आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, लेकिन अभी वेबसाइट पर ये अपलोड नहीं हुई है, आप लोग खुद भी जा करके देख सकते हो। और ये आप लोगों की लिस्ट है, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट है, इसी प्रकार से सभी कैटेगरी की लिस्ट में आप सभी के नाम मैं सुबह आप सभी को लाइव दिखाऊंगा कि किस किस का नाम आया है, किस किस का नाम नहीं आया है, तो सुबह लाइव में सभी लोग अवश्य जुड़े और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि सभी अपने अपने नेम चेक करवा सके कि किस किस का नेम आया है और किस किस का नहीं आया है। जनरल कैटेगरी में टोटल 1661 कैंडिडेट के नाम है, जबकि 2000 लड़कियों को स्कूटी दी जानी थी, लेकिन 1661 गर्ल्स के ही उन्होंने नाम दिए हैं। और जो एससी एसटी अल्पसंख्यक विभाग की हैं वो भी मैं सभी के आप सभी को सुबह मॉर्निंग में सभी 7:30 बजे लाइव से जुड़ जाना, मैं आप सभी को इसकी जो फाइनल लिस्ट है उसके नाम लाइव चेक कर करके दिखाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं मॉर्निंग में, और सभी अपनी अपनी मिठाइयाँ तैयार रखना, वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक देवे, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देवे और बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देवे, जिससे कि आपको भविष्य में मिलने वाली सभी जानकारियाँ तुरंत मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।